गुड लुकिंग, रिच, फिट, विराल, पोलाइट, लवेबल, हम्बल, रिस्पेक्टफुल, रोमांटिक, प्यारा, प्यारा और लवेबल। एक बार फिर से हमारे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। जैसे कि आप सभी को पता हो कि तू झूठी मैं मक्का जो मूवी रिलीज हुई, जो कि रणबीर का वो श्रद्धा के बोलने अच्छा काम के अच्छे रिव्यू मिले, जिसने पहले दिन बॉक्स ऑफिस में अच्छा कलेक्शन किया था, तकरीबन 15 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था, जो मैंने मेरी पिछले वीडियो के अंदर बता दिया था। लेकिन ऐसे में क्या आप सभी को पता है कि दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या निकल कर आ रहा है, इसकी रिपोर्ट क्या निकल कर आ रही है? आप सब बता दो, जानने के बाद आप बोलेंगे यार ऐसा कैसा हो गया। मतलब आप सब बता दो, ये मूवी के अच्छे रिव्यू आने के बाद फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा है, लेकिन ऐसे में आपसे बता दूँ जो सेकंड डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आ रहा है वो आपको नाराज कर सकता है, अगर आप रणबीर कपूर के और श्रद्धा कपूर के फैन है तो। क्योंकि आप सब बता दूँ बहुत मतलब लो निकल के आने वाला है, जबकि कलेक्शन बढ़ सकता था क्योंकि मूवी को अच्छे रिव्यू मिले, अच्छी रेटिंग मिली, लेकिन उसके बावजूद इतना कम कलेक्शन आएगा किसी ने नहीं सोचा था। आप सब बताओ जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है कलेक्शन के बारे में, वो जानने से पहले आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे बताने वाला हूँ सेकंड डे का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आ रहा वो सबसे कम निकल कर आ रहा। मतलब पहले दिन 15 करोड़ कमाई, अब दूसरे दिन कम से कम 20 करोड़ तो कमाना चाहिए था। मतलब इतने अच्छे रिव्यू मिलने के बाद, अच्छी रेटिंग मिलने के बाद ये मूवी का मतलब कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन ऐसे में आप बता दूँ सेकंड डे का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आ रही, जो रिपोर्ट निकल कर आ रही वो एकदम लो निकल कर आ रही। मतलब पहले दिन 15 करोड़ कमाती, लेकिन आप सब बता दूँ जो दूसरे दिन की रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 करोड़ के बीच में, मतलब 9 से 10 करोड़ के बीच में ही कमा सकती है, उसके ऊपर नहीं कमा सकती है। मतलब आप सोचिए इतने अच्छे मूवी के रिव्यू मिलना, अच्छा रेटिंग मिलना, एक कलेक्शन बढ़ना चाहिए था, लेकिन एक कलेक्शन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। लेकिन ऐसे में आप सभी सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है? आप बता दो, लोगों को अभी मास फिल्म देखने की आदत पड़ चुकी है, जैसे पठान मूवी या KGF, RR मूवीज के अंदर एक्शन बताया गया, जिसके अंदर एक्शन नहीं सिर्फ रोमांटिक मूवी है, मतलब आपको एक लव वाली मूवी है, आपको लव सिखाएंगी, तो कई सारे लोगों को मतलब ये मूवी जम नहीं रही और कई सारे लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही। लेकिन जो मास मूवी देखते हैं उनको तो बिल्कुल ही पसंद आ रही, उनसे कनेक्ट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इतना कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आया। लेकिन अब देखना है कि थर्ड डे का कितना निकल कर आता है। अगर आपको थर्ड डे का जाना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को इसी चैनल बताने वाला हूँ कि तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना आने वाला है, वो भी तू झूठी मैं मक्कार का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, और इसी के साथ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको लगता है ये मूवी नहीं चलने की वजह क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने मूवी देखी हुई तो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करें, उतना फैलाएं ताकि लोगों तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचे।